नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कार लक्ज़री के एक और नई वीडियो में। दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि भाई अपने सामने अभी वैगनआर का VXI वेरिएंट है, जो कि भाई मारुति की सेल्स में कहीं ना कहीं इस गाड़ी का भी काफ़ी जो है योगदान रहता है, क्योंकि भाई ऑल्टो के बाद वैगनआर का ही नंबर आता है। अगर सेल्स पॉइंट की बात करें तो वैगनआर भी अच्छे खासे पॉइंट जो है हर हुई नज़र आती है, यानी कि भाई टाटा नेक्सॉन का काफ़ी किफ़ायती मॉडल जो है वो अपने सामने खड़ा है, यानी कि काफ़ी किफ़ायती गाड़ी जो है अपने सामने खड़ी। और सबसे बढ़िया इस गाड़ी में एक चीज़ है कि भाई बहुत ही कम रेंज में अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, और जो माइलेज है उसके लिए तो ये गाड़ी वैसे भी जानी ही जाती है, क्योंकि माइलेज में किंग रहने वाली है ये वाली गाड़ी, क्योंकि भाई काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी के साथ माइलेज आपको देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ भाई काफ़ी अच्छे खासे फीचर भी देखने को मिलेंगे। 5,99,500 रुपये में आपको वैगनआर पेट्रोल VXI वेरिएंट का जो है आपको प्राइस देखने को मिलने वाला है। लेकिन हम बात कर रहे थे माइलेज की, तो 24.3 KMPL का माइलेज गाड़ी के साथ मिल जाता है 1200cc इंजन के साथ, जो कि काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। अदर सेगमेंट की अगर बात की जाए तो इतना माइलेज आपको जो भाई इस 1200cc इंजन के साथ किसी गाड़ी में भी देखने को नहीं मिलेगा, और ठीक ठाक पावर भी जनरेट कर देती है 65 BHP की, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। 89 Nm का टॉर्क इस गाड़ी के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 35 लीटर की देखने को मिल जाती है। भाई फिलहाल कुछ इस तरह से रहने वाले हैं गाड़ी के टायर, जो कि विदाउट व्हील कैप आने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी खासी विड्थ के साथ यहाँ से टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। दो रेंडर आरबीम दोनों ही आपको जो है बॉडी कलर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया निकल के आती है, लेकिन लुक्स के मामले में अपनी अपनी अलग अलग चॉइस ज़रूर हो सकती है मेरे भाई। लेंथ की बात करें, काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी में लेंथ आपको देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। कुछ इस तरह से रहने वाली है गाड़ी की फ्रंट फेसिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत निकल के आती है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी गाड़ी के फ्रंट फेसिया, जहाँ पे आपको जो है यहाँ से इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, ऊपर से 3D हेडलैम्प देखने को मिलेगी, और ये वाली जो डॉट डॉट की लाइन है वो काफ़ी प्यारी दिखती है। पास से नीचे से फॉग लैम्प की हाउसिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट में भाई क्रोम फिनिश में मारुति सुजुकी का लोगो, बड़ा सा हेडलैम्प, और कुछ इस तरह से फ्रंट की जो है फेसिया देखने को मिलेगी। काफ़ी बढ़िया जो है बल्कि यहाँ पे आपको लुक देखने को मिल जाता है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भाई गाड़ी के अंदर बैठ के आपको जो है बोनेट के सामने जो है वो प्रेजेंस काफ़ी अच्छी खासी दिखने वाली है। बाकी ओवरऑल को ड्राइवर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो कुछ इस तरह से रहने वाली है। उससे पहले भाई गाड़ी का रियर कैबिन स्पेस ज़रूर दिखा देते हैं, क्योंकि रियर में स्पेस कितना है, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। कुछ इस तरह से आप जो है देख पाएंगे गाड़ी का रियर कैबिन स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है मेरे भाई। और जो सीट की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ाई देखने को मिलने वाली है, जिसके कारण भाई जो है लॉन्ग ड्राइव पे भी आपको जो है थकान महसूस नहीं होगी। फिलहाल कुछ अच्छा खासा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी का रियर कैबिन स्पेस। बढ़ते हैं गाड़ी के इंटीरियर की ओर, के इंटीरियर में यानी कि अंदर से आपको क्या क्या फीचर अपनी इस वैगनआर पेट्रोल के साथ देखने को मिलेंगे। तो डोर पे कुछ इस तरह से आपको जो है भाई चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर यहाँ से आपको जो है सिल्वर क्रोम में देखने को मिलेगा। हैंडल यहाँ से कुछ यूटिलिटी स्पेस देखने को मिल जाएगा भाई, और जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से निकल के आने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल का दिखता है, यानी कि भाई काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी के साथ आपको जो है डैशबोर्ड दिखने वाला है। कुछ इस तरह से सीट आपको देखने को मिलेगी, जो कि डोल्टोन के साथ रहने वाली है। कुछ कट ऑफ यहाँ से देखने को मिल जाएंगी, और दोनों ही गाड़ी में आपको जो है रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मेरे भाई देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी प्यारी इसके साथ चाबी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल एक बार चाबी लगा के इग्निशन को ज़रूर ऑन करके देखेंगे, क्योंकि भाई इग्निशन किस तरह से ऑन होने वाला है। तो भाई यहाँ से कुछ इस तरह से आपको जो है मीटर देखने को मिलेगा, जो कि डिजिटल तो नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी भाई एनालॉग जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है डुअल फिनिश में स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा। 2D की एक म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले मेरे भाई जरूर देखने को मिलेगी। AC के कंट्रोल्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, सामने से 12 वोल्ट का चार्जर, गेन ऑफ कुछ इस तरह से, और भाई जो है डोल्टोन के साथ कुछ इस तरह से जो है देखने को मिलेगा गाड़ी का डैशबोर्ड। ग्लोव बॉक्स से मिलते हैं, क्योंकि ग्लोव बॉक्स को थोड़े पास से समझेंगे, क्योंकि ग्लोव बॉक्स दूर से इतना साफ नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा सा ग्लोव बॉक्स को पास से ज़रूर समझेंगे मेरे भाई। यहाँ से ऑन करते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे ग्लोव बॉक्स, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, काफ़ी बढ़िया ग्लोव बॉक्स मेरे भाई देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको दोनों ही साइड SRS के दो एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस गाड़ी में भाई
कम प्राइस रेंज के अंदर अच्छे खासे फीचर और एक अच्छी खासी जो है सेफ्टी देखने को मिलने वाली है। यानी कि गाड़ी में आपको जो है डुअल एयरबैग, एबीएस सेफ्टी ब्रेक, रियर पार्किंग सेंसर, ऐसे सारे फीचर सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाले हैं। रियर के लुक की बात की जाए, काफ़ी ऊंची जो है हाइट इस गाड़ी की आपको जो है देखने को मिल जाएगी। पीछे से बैगनार की वेजिंग देखने को मिलेगी, दो सेंसर रिफ्लेक्टर के साथ आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया जो है भाई हाइट इस गाड़ी की आपको जो है देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी खासी सेगमेंट की कोई भी गाड़ी भाई आपको जो है इतनी हाइट नहीं देती, जहाँ तक अभी तक हम समझ पाए हैं। बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ पार्श्व ट्रिक ऑप्शन मेरे भाई BXI वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाएगा। और बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया इस गाड़ी में आपको जो है देखने को मिलने वाला है। फिलहाल बढ़ते हैं भाई गाड़ी, उससे पहले भाई कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं गाड़ी की हाइट को, कि हाइट कितनी आपको जो है इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। तो एक बेहतरीन हाइट आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएगी। तो भाई यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।